नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सत्यजीत राय द्वारा रचित शब्द चित्र अप्पू के साथ ढाई साल, जिसमें लेखक सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग के समय होने वाली समस्याएं, उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां और जो संघर्ष उन्होंने किया उसके विषय में अपने अनुभव साझा करते हैं अपने पाठकों और श्रोताओं से। तो सबसे पहली जो बात थी, सबसे पहली जो समस्या थी इनके सामने, वह जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अप्पू की भूमिका करने वाला बालक, उसके चुनाव की समस्या इनके समक्ष उत्पन्न हुई थी, जिसके लिए इन्होंने अपने घर पे कलाकारों को बुला करके अप्पू के चुनाव का आयोजन किया था। इन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू रखे थे और फिर अपने ही घर के पास रहने वाला सुबीर बनर्जी जो है वो पथेर पांचाली में अप्पू बना। और इस प्रकार फिर शूटिंग की शुरुआत में ही इनकी गड़बड़ हो गई। वह गड़बड़ क्या थी कि अप्पू और दुर्गा को लेकर ये कलकत्ता के पालसीट नामक एक गांव में गए, जहां पर ये बिल्कुल नए थे। रेल लाइन के पास काशफूलों से भरे हुए मैदान में इनको पहला ही दृश्य शूट करना था, किंतु क्या हुआ, आधा दृश्य पूरा होने पर इन लोगों ने सोचा कि अगला जो है दृश्य वो कल के दिन में फिल्मा लिया जाएगा, किंतु इन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ये बिल्कुल 7 दिन के बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर आए तो क्या हुआ, ये उस जगह को पहचान नहीं पाए। कारण क्या था उसका, कारण ये था कि जो 7 दिन पहले जो काशफूल थे मैदान में वो सारे जानवरों ने खा डाले थे। और अगर अब उस जगह पे ये आधे बाकी के आधे सीन की शूटिंग करते तो क्या होता, पहले के आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता और क्या होता, उसमें से कंटिन्यूटी गायब हो जाती। तो ऐसा नहीं करके इन्होंने क्या किया, पूरे 1 वर्ष तक शरद ऋतु आने का इंतज़ार किया। शरद ऋतु आई, काश फूलों से वह मैदान फिर से भरा और फिर उसके बाद वे अपना बाकी का जो दृश्य था उन्होंने शूट किया। और किस प्रकार 3-3 अलग अलग रेलगाड़ियों के साथ इन्होंने उस दृश्य को पूरा किया है। तो पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है, कौन सा सीन, अप्पू और दुर्गा रेलगाड़ी देखते हैं, काशफूलों की के मैदान की पृष्ठभूमि है, उस पर उठता हुआ काला धुआं और बिल्कुल रेलगाड़ी जो बच्चे देख रहे हैं, ये जो दृश्य बच्चे देखते हैं, बच्चे क्या कोई भी ये दृश्य देखते हैं फिल्म में पथेर पांचाली में, तब ये पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। तो आर्थिक अभाव के कारण, यानी कि पैसों की कमी के कारण, बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, यानी कि बहुत सारी समस्याएं इनके समक्ष उत्पन्न हुई जिनसे इन्हें संघर्ष करना पड़ा। एक अन्य उदाहरण लेखक देते हैं, देखें हम बात करते हैं क्या उदाहरण दिया है लेखक ने दूसरा। हाँ, तो जो मूल उपन्यास है जिस पर पथेर पांचाली फिल्म बनाई गई है, उस मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा जो है भूलू नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख भी है इनके साथ साथ, अप्पू और दुर्गा के साथ। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा था, अर्थात घुल मिल गया था पूरी टीम के साथ। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। फिल्म में ये दृश्य भी शूट करना है इनको कि अप्पू की माँ जो है वो अप्पू को भात खिला रही है और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है, ये दृश्य होना है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, ये दृश्य फिल्माना है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है अपने बच्चे को खिलाने के लिए, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, तो वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन जब बच्चे की मानसिकता मनोभाव देख करके वो समझ जाती है कि अभी ये कुछ भी नहीं खाएगा और भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है।
उसकी माँ को आंगन में खड़े देख कर की भांत ली हुई, कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, नहीं सावधान हो जाता है, तैयार होता है, उसका ध्यान कहाँ है, किसका, भूलो कुत्ते का, सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर उसका हाथ, उसका ध्यान है, सॉरी, भूलो कुत्ते का, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब अप्पू ने भात खा लिया है तो जो बचा खुचा भात है वो उसके लिए आएगा, और इसके लिए वो खड़ा हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद वाली शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, यानी कि भूलो के लिए ही डालती है वह गमले में, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके। देखो ये शॉट भी उस दिन नहीं हुआ इनका, यानी कि ये भी आधा अधूरा दृश्य फिल्मा करके, और क्यों ऐसा क्यों हुआ, यानी कि भूलो कुत्ते का भात वाला जो दृश्य है वो बीच में क्यों छोड़ना पड़ा लेखक को, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई, यानी कि दिन अस्त हो गया था, और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए, यानी कि सूर्यास्त के साथ साथ इनके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे, यानी कि खर्चा इनके पास नहीं था जो फिल्म में, फिल्म की शूटिंग में इनको लगाना था, तो इसके लिए इन्हें वो शूटिंग बीच में ही रोक देनी पड़ी। फिर देखें 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर, देखो 6 महीने तक इनको शूटिंग स्थगित करनी पड़ी है, और 6 महीने तक इन्होंने क्या किया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, और 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। कौन से सीन का आपको पता है, अप्पू के भात खाने वाला जो दृश्य है, अप्पू भात नहीं खाता है और उसकी माँ सर्वजया बचा हुआ भात जो है वो गमले में डाल देती है, यहीं तक का दृश्य फिल्मा सके थे। सूर्यास्त हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे। देखो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है, क्योंकि जो काश फूलों के मैदान वाला जो दृश्य था वहाँ तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था बीच में कि हम कल आगे का दृश्य शूट करेंगे, लेकिन वहाँ उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, शायद बताया नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है पाठ में, लेकिन यहाँ पर इनकी मजबूरी का जिक्र हुआ है। ये दृश्य बीच में ही रह गया, सूर्यास्त हो गया और साथ ही साथ इनके पास जो पैसे थे वह भी खत्म हो गए। यदि प्रश्न आता है कि अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म में जो फिल्म का दूसरा दृश्य है, अप्पू के भात खाने वाला दृश्य, वो लेखक को अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था और लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इस कारण उनको वह दृश्य बीच में ही रोक देना पड़ा। फिर देखें 6 महीने तक रोकना पड़ा इनको, 6 महीने तक इन्होंने पैसे इकट्ठा करके और बाकी का जो अंश था वो चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर देखो क्या समाचार मिलता है इनको कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि भूलो जो था वो कुत्ता, पहले उसका आधा दृश्य लिया हुआ था, और वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई अगर यदि दृश्य नहीं लिया हुआ होता कुत्ते का, थोड़ा बहुत चित्र नहीं होता उसका, तो दूसरा कुत्ता भी उसकी जगह पर रखा जा सकता था, किंतु भूलो कुत्ते को बैठे हुए दिखा दिया था पहले, अब उसको भात खाते हुए दिखाना था, तो और वो कुत्ता जो था भूलो 6 महीने के अंतर्गत वो मर गया था। तो अब देखो इस समस्या का सामना कैसे करते हैं, इस समस्या का हल क्या करते हैं, निदान क्या होता है। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, यानी कि अब उसको लाना भी अनिवार्य हुआ। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था, उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी, यानी कि उसकी दुम का जो किनारा है अंतिम छोर, वह भी भूलो की दुम की छोर जैसा सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो फिल्म जब देखते हैं तो दर्शक जो है इस बात को पहचान ही नहीं पाते कि ये कुत्ते जो है वो अलग अलग कुत्ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और क्या होता है कि सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। तो आदमी के संदर्भ में क्या था, देखो कुत्ते के संदर्भ में क्या समस्या आई थी कि एक कुत्ता मर गया था, एक ही दृश्य में दो कुत्तों से दृश्य पूरा किया गया, तो आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी लेखक के समक्ष। तो देखें क्या घटना थी कि श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। श्रीनिवास नामक व्यक्ति फेरी लगाता है, मिठाई बेचने के लिए आता है, अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं मिठाई खरीदने के लिए, तो वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसीलिए अप्पू और
दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। देखो ये बाल मनोविज्ञान भी व्यक्त हुआ है यहाँ कि बच्चे जो चीज़ खुद नहीं खरीद पाते हैं दूसरों को खरीदता दे करके उसी में उनकी खुशी पा लेते हैं। तो यहाँ भी यही होता है, अप्पू और दुर्गा के पास स्वयं के पास पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के, तो वह मुखर्जी के घर तक उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुखर्जी जो है वो अमीर आदमी है और वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। देखिए यह बाल मनोविज्ञान, बच्चों की मानसिकता, बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों की भावना कि दूसरों को मिठाई खरीदते देख करके भी उनको आनंद मिलेगा ये सोच करके वो क्या करते हैं, वो श्रीनिवास मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक जाते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। देखिए फिर शूटिंग स्थगित हो गई, पैसे क्यों क्यों कारण क्या था उसका, पैसों का अभाव। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब क्या खबर मिली, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब देखिए ये समस्या, अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, ये समस्या सामने आई। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे, यानी कि उसका शरीर जो था वो पहले वाले श्रीनिवास की तरह ही था और उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांस बंद से बाहर आता है और अगले शॉट में दो नंबर श्रीनिवास जो है वो कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, यानी कि एक श्रीनिवास को तो आते दिखाया है और दूसरे को जाते दिखाया है, एक का चेहरा दिखाया है और दूसरे की पीठ दिखा दी है, इससे जो है विशेष पता नहीं चलता कि ये दो अलग अलग आदमी हैं। हाँ, पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना, यानी कि श्रीनिवास के विषय में किसी को पता चल गया हो ऐसा नहीं सुनने में आया। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे क्या हुआ था इसी दृश्य में, और वह भी उस भूलू कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास, पुकुर यानी नाला, छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्यों मिठाई खरीदेंगे, यानी कि अप्पू और दुर्गा जो है वो भी एक तरफ खड़े देख रहे हैं कि, और मिठाई वाला पूछता है कि क्या मिठाई खरीदेंगे, तो मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, कैसा सीन लेना था कि अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे जा रहे हैं और भूलो कुत्ता भी उनके साथ साथ दौड़ रहा है, ऐसा सीन लेना था। लेकिन मुश्किल क्या थी, देखो मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था कि दौड़ता रहे हमारे इच्छा के अनुरूप, इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी यानी कि व्यर्थ जा रही थी, कीमती समय उनका व्यर्थ हो रहा था और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था। क्या चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, यानी कि दृश्य कट करना, बीच में रोकना, और यानी कि इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था, केवल धैर्य से इस बात का इंतजार ही कर सकते थे कि कुत्ता जो है वो अप्पू और दुर्गा के साथ दौड़े। अगर कुत्ता बच्चों के साथ दौड़ा, पीछे दौड़ा, तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है, यानी कि उनके पीछे दौड़ेगा तभी उनका पालतू कुत्ता लगेगा। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा,
और वह कुत्ते को दिखाकर भागने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। क्यों? मिठाई के लालच में, और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला, अन्यथा तो वो कुत्ता भाग ही नहीं रहा था और इनका दृश्य पूरा हो ही नहीं रहा था। तब लेखक ने जब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, दुर्गा को अपने हाथ में मिठाई लेकर के भागने को बोला, तो कुत्ता उसकी मिठाई के लिए पीछे पीछे भागता रहा और इनका दृश्य पूरा हो सका। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। तो जब बरसात का सीजन आया तब इनके पास पैसे नहीं थे शूटिंग के लिए, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, यानी कि बरसात बिल्कुल जा चुकी थी। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था, शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी, बिल्कुल खाली स्वच्छ आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात यानी कि गांव में जाकर बैठा रहता था कि क्या पता बिना मौसम के भी बरसात हो जाए। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। और आखिर एक दिन ऐसा हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया और भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे और दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता करम चा के वृष्टि घरे जा। अर्थात क्या कहने लगी कि अब तो नींबू के पत्ते भी खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब तुम घर जाओ, अर्थात हे बरसात अब तुम वापस घर जाओ। इस प्रकार ये दृश्य इन्होंने पूरा किया। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। अप्पू बहुत कांप रहा था, उसको इतनी ठंड लग रही थी। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही है कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। तो इस प्रकार ये समस्याएं सारी इनके समक्ष उत्पन्न होती गई और लेखक जो थे वो पैसों के अभाव में किस प्रकार अपनी शूटिंग आगे से आगे स्थगित करते जा रहे थे और किस प्रकार व्यवस्था होने पर फिर से वो शूटिंग शुरू कर रहे थे, इस प्रकार ये समस्याएं इनके सामने आती जा रही थी। तो अब आगे इसके आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।